तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के इम्पोर्टेंट टॉपिक इंग्लिश के, जो केवल 3 टॉपिक अगर आप इसको देखते हैं समझते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके 25 नंबर आपको मिल जाएंगे। केवल 2 से 3 टॉपिक पढ़ना है और आपको 25 नंबर मिल जाएंगे। तो वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कौन से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, कोई क्या पढ़ रहा है, कोई क्या रट रहा है, कोई किस में परेशान है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मैं समीर शुक्ला चैनल पे आपके साथ बना रहूंगा लास्ट तक, जब तक आपका एग्जाम और आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। तो प्लीज़ दोस्तों को बिल्कुल शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी जरूर करें। तो वो 2-3 टॉपिक कौन से हैं जिन्हें पढ़कर आप 25 नंबर पा सकते हैं, और बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने उन तीनों टॉपिक के बारे में कि वो आखिर 3 टॉपिक हैं कौन से जो आपको 25 नंबर तक दिला सकते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग, जो कि 10 नंबर का आएगा। आपको पता होगा आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं, तो आपको आपने देखा होगा कि आर्टिकल राइटिंग आपके टीचर्स ने भी करीब 10 नंबर का ये रखा है। तो ये आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में जो होगा उसमें भी आर्टिकल 10 नंबर का आएगा। अब यहाँ पर बात ये होती है कि कौन सा आर्टिकल तैयार करना है, तो मेरे भाई मैं आपको बताए दे रहा हूँ बार बार कि यह आर्टिकल हमेशा जो पूछे जाते हैं वो करंट इश्यूज़, यानी जो आजकल चीज़ें हो रही हैं या आजकल की जो घटनाएँ हैं, आजकल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है उसी पर इसे पूछा जाता है। जैसे आपके सामने मैंने पॉपुलेशन भी रखा है, पॉल्यूशन है, हेल्थ है, गेम्स है, इलेक्शन है, COVID-19, एनवायरमेंटल या वुमेन इन इंडिया, टेररिज्म, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपने इस चैनल पे ये पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, हेल्थ, गेम्स, इलेक्शन सीन, COVID-19 या वुमेन इन इंडिया यहाँ तक बताया, लेकिन टेररिज्म के बारे में अभी तक मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो अगर आप केवल ये 4 से 5 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप आर्टिकल राइटिंग लिखकर 10 नंबर पा सकते हैं। तो आप बिल्कुल चैनल पर विजिट करें, इसके आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पर आर्टिकल राइटिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको देखें, आप उसको नोट कर लें, या आप केवल लिखने के तरीके को देखें, क्योंकि मैंने 3 से 4 बार केवल यही बताया है कि आर्टिकल लिखने की ट्रिक कैसी है या आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, कैसे आप छोटे छोटे शब्दों को आसान सी भाषा में भी लिखकर अपना 10 में से 10 नंबर पा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है लेटर। अब लेटर में बात करते हैं कि लेटर में क्या क्या है। तो लेटर आपके आपके जो जो बुक है, आपका जो यूपी बोर्ड एमएसपी की जो साइट है, वहाँ पर भी बताया गया कि आपका जो लेटर आएगा वो कंप्लेंट लेटर होगा। वो कैसा लेटर होगा? कंप्लेन लेटर होगा, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 10 नंबर का आएगा। तो कंप्लेंट लेटर में 2 तरह के लेटर होते हैं, एक होता है लेटर टू एडिटर और दूसरा होता है ऑफिशियल लेटर। यहाँ पर समझें, कोशिश करें कि ऑफिशियल लेटर ही लेटर टू एडिटर होता है, या अनऑफिशियल लेटर आप में नहीं आएंगे। तो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर आने के चांसेस हैं वो है लेटर टू एडिटर के ही हैं। ऑफिशियल लेटर के भी हो सकते हैं। ऑफिशियल लेटर में जैसे नगर निगम है, जैसे आपका पावर हाउस है, या कोई चीज है, कोई आपको जानकारी लेनी है आरटीआई के माध्यम से, तो ये सारी चीजें हमारे ऑफिशियल लेटर में आती हैं। तो लेटर टू एडिटर के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कि ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे जरूर याद रखें, आप जरूर इसे तैयार कर लें, क्योंकि आपके यहाँ हाफ ईयरली भी चल रहा होगा तो आप उसको देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा देखिए 10 और 10-20 नंबर का हो गया, 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का लेटर, और अब 5 नंबर मैं बताने जा रहा हूँ, उसे भी आप बहुत ध्यान से देखें। और उसके बाद ये हमारा बहुत छोटा सा एक टॉपिक होता है ट्रांसलेट इन हिंदी टू इंग्लिश, यानी ये 5 नंबर का आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो लिखने का जो तरीका है बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप टेंस तैयार कर लें, इसके अलावा मॉडल ऑक्सिलरी तैयार कर लें, आपको आपका टेंस का 5 नंबर लेने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये आपका 5 नंबर मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, बस आपको ये टेंस याद रखना है, आपको ये मॉडल ऑक्सिलरी याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं, फिर आप ट्रांसलेट करना शुरू कर देंगे। इसके भी सारे वीडियोस मैंने बताए हैं, मैंने दिए हैं, तो प्लीज़ जाके आप चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें
और दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, और प्लीज़ वी विद मी, मेरे साथ आप बने रहें। आपके एग्ज़ाम के लास्ट तक मैं आपके साथ रहूँगा, आपके रिजल्ट तक। जब आपका रिजल्ट अच्छा मिलेगा तभी मैं आपका साथ छोड़ूंगा। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।